हेलो एंड वेलकम गाइस। अगर आप भी Redmi Y2 या Y3 के यूजर हैं, वेट कर रहे हैं MIUI 12 के ग्लोबल स्टेबल अपडेट का, तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए है, क्योंकि इसमें आपको मैं Redmi Y2 के बारे में भी बताने वाला हूं और साथ ही Redmi Y3 के बारे में भी। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको Android 10 के बारे में भी बताएंगे, क्या आपको MIUI 12 के साथ Android 10 का भी सपोर्ट देखने मिलेगा। तो गाइस, ये वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। और गाइस, अगर आप भी Redmi Y2 या Y3 के यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि Redmi के जितने भी फोन हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे हर वक्त मिलती ही रहती है आप सभी को। कैसे वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको अपडेट कब तक देखने मिल जाएगा आपके Redmi Y2 और Y3 यूजर के लिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं पहले ही, अगर आप भी बीटा टेस्टर नहीं हैं पर आप यूज करना चाहते हैं बीटा रोम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको सारे जितने भी बीटा के रोम मिलते हैं आपके डिवाइस के लिए वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब लीक कर देते हैं। तो गाइस, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिवाइस में नॉर्मली फ्लैश कर सकते हैं। अब बात निकल के आती है Redmi Y2 और Y3 को अपडेट देखने कब तक मिल जाएगा। गैस, इसमें S2 के बारे में भी बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे, कंफ्यूज रहते होंगे Redmi S2 को अपडेट कब तक मिलेगा। S सीरीज के अगर स्मार्टफोन है आपके पास तो आपको अपडेट कब तक देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली है, मैंने कोई नहीं बनाया, ये MI का ही, आप सब जानते हैं ये MI का ही फोरम ऐप है, वहां से आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, नई जानकारी है। तो आप देख सकते हैं Redmi Y और वाई एस सीरीज, ये दो सीरीज हैं जिन्हें अभी तक अपडेट पेंडिंग दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं Redmi Y2 को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन Redmi Y2 के यूजर को अभी तक अपडेट देखने नहीं मिला है। तो ये प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही आपको Android 10 का सपोर्ट कब तक देखने मिल जाएगा, और गाइस Redmi Y3 के यूजर को अपडेट कब तक रोलिंग आउट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, पहले तो बात कर लेते हैं Redmi Y2 के बारे में। तो गाइस, Redmi Y2 को जो ये अपडेट देखने मिला था उसमें आपको कोई भी Android 10 का सपोर्ट देखने नहीं मिला है, इसमें आपको Android Pie का ही सपोर्ट देखने मिला है। तो गाइस, यहाँ पे बात आती है निकल के कि रिलीज तो कर दिया है लेकिन अभी तक आप लोग को मिला नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पार्सली रोल आउट हो रहा है, मतलब आपको कुछ यूज़र को मिल चुका होगा जो कमेंट कर रहे होंगे भाई हमें तो मिल गया, तो भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, पर जिन यूज़र को नहीं मिला है उनके लिए बता देना चाहता हूँ आपको 7 दिन के अंदर ये आपको अपडेट देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये रिलीज़ पार्सली हो रहा है, मतलब रिलीज रोलिंग आउट हो रहा है हर एक यूज़र के लिए। तो दोस्तों, आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं Redmi Y सीरीज की। Y2 के बारे में तो बता दिया, उसे अपडेट देखने मिल जाएगा 7 दिन के अंदर ही, पर Y3 का क्या? Y3 को Android 10 का सपोर्ट भी देखने मिलेगा। तो गाइस, आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, पर कितना वेट ये भी बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ, Redmi Y2 को बहुत ही लेट अपडेट देखने मिला है, और यहाँ Redmi Y3 को अभी तक कोई भी स्टेटस आप देख सकते हैं, कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है या बीटा टेस्टिंग शुरू नहीं की गई है। तो आपको कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अक्टूबर के सेकेंड वीक का वेट करना पड़ेगा अगर आप Redmi Y3 के यूज़र हैं। आपको जैसा कि लिस्ट भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डिवाइस के नेम लिस्ट हैं जिन्हें अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक में अपडेट दे दिया जाएगा। तो अगर आपको भी अपडेट पहले चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको सेकेंड या थर्ड वीक तक वेट करना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है कि इस डेट पे ही मिल जाएगा, आपको वीक का वेट करना ही पड़ेगा आपके डिवाइस के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया।